हमने ये मंगाया है अमेजन से, इसमें है गोरिल्ला ट्राइपॉड और एक और चीज़ है जो ब्लॉगिंग के लिए मंगाया है, तो उसी को हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या है। ठीक है, अनबॉक्सिंग करते हैं। ये तो ऐसा ही है, और ये रहा हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड। इस पर भी टेप लगी हुई है, ऐसे भी। तो खोल के देखते हैं इसमें क्या है, क्या क्या मिला है हमें। और ये शायद रिमोट है, ये रिमोट है शायद। हाँ रिमोट ही है, इसमें शायद सेल होगा बट अभी खुल नहीं रहा है, बाद में देखते हैं हम। और ये है ऊपर स्टैंड लगाने वाला इसके, जिसमें हम मोबाइल फांसते हैं। ये देखिए यहाँ पे मोबाइल लगता है यहाँ पे दोनों के बीच। और ये है हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड, इसे जैसा भी करना चाहो वैसा हो जाता है ये। तो ये यहाँ पे लगता है, मैं ये इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये निकल आता है, और हम इसमें कस कर जैसा हम चाहें वैसा वो उनसे बनाने के लिए इसे यहाँ पे फिर इसे प्रेस करेंगे और इसे इसमें लगा देते हैं। वर्टिकल है, अगर आपको वैसा लगाना है तो इसे खोलेंगे और इधर की साइड हम कस देंगे और इसे फिर से यूँ लगा देंगे। आपको ब्लॉगिंग करनी है तो इसे ऐसे यूँ ही कर सकते हैं, यहाँ पे यूँ आ जाएगा, ये ऐसे हो जा सब। बट इसमें हम माइक लगाना चाहें, जैसे बोया वन का माइक लगाना चाहें, ये भी मंगाया है हमने बोया वन का, तो इसे भी ओपन करते हैं। इसमें भी कुछ ये कागज़ हैं जो कोई नहीं पड़ता आजकल, ऐसे भी यहाँ रखते हैं। ये माइक है हमारा जो शॉटगन माइक होता है, जो सिर्फ इसका डायरेक्शन जिसकी तरफ होगा उधर की वॉइस रिकॉर्ड करेगा, आगे की तरफ होगा तो आगे का ही वॉइस रिकॉर्ड करेगा। ये इसके लिए वॉइस फिल्टर होता है, इस पर लगा देते हैं हम यूँ तो वॉइस फिल्टर हो जाता है। और ये इसमें स्टैंड का काम करता है जो हमारा बोया माइक को अटैच करता है। अब इसे इसमें लगाने वाला ये नहीं है, इसके लिए हमने एक और मंगाया है क्लिप इसका, जो हमारा बोया माइक को कनेक्ट करेगा। पहले इसे बता दूँ, ये होता है इसको इधर दिया होता है, मोबाइल फ़ोन वाला फंक्शन दिया होता है, वो मोबाइल की तरफ लगाना है मोड 3.5 जैक में। और ये है शॉटगन माइक के लिए, तो शॉटगन माइक के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखो वॉइस वाला छप रहा है, ये इधर लग जाता है और वो हमारा मोबाइल की तरफ लग जाता है। और ये कवर दिया हुआ है और माइक दिया हुआ है। अब हम दिखाते हैं दूसरा, तो हमने ये दूसरा सॉकेट मंगाया है जिसलिए शॉटगन माइक लग जाए हमारा। ये भी है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ शॉटगन माइक लगाने के लिए दिया हुआ है। आप इसको जब यहाँ पे रोल करके इसमें जब यूँ फंसाएंगे, आपका शॉटगन माइक ऐसे लग जाएगा और फ़ोन भी लग जाएगा। फ़ोन के लिए देखिए आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे इसे फंसाने के बाद आप इसको टाइट कर दीजिए, स्क्रॉल ले इसे टाइट कर देंगे। देखिए आपको लगा के दिखाता हूँ, इसे हटाते हैं और फिर हम इसे निकालेंगे प्रेस करके, और इसे यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, राउंड करके इसे कस देंगे हम। ये हमने कस दिया है और फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ लॉक होता है, ये नीचे हो जाता है तब ये जॉइंट हो जाता है। ये लॉक दिख रहा होगा, मैं प्रेस कर रहा हूँ, लॉक अप डाउन हो रहा है। और यहाँ पे
और इसे लॉक को यहाँ पे इसे अंदर कर देंगे और लॉक लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे माइक लग गया है, तो हम इसमें फ़ोन लगा के दिखाते हैं आपको। जैसे कि हम फ़ोन लगाएंगे तो ये हमको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, तो यहाँ फ़ोन लग जाएगा हमारा। और जो माइक की केबल है इसमें अंदर लग जाएगी और ये व्लॉगिंग सेटअप हो जाएगा। जैसे हम कैसा भी पकड़ना चाहें हम वैसा कर सकते हैं, इसे यूं करके व्लॉगिंग सेटअप हो जाएगा। ये कुछ भी बोलेंगे हम तो ये जो हमारा शॉटगन माइक का ये है आगे की तरफ रहता है, तो हमारी ही वॉइस ज़्यादा क्लियर जाएगी और बाकी की वॉइस फिल्टर हो जाएगी। तो ये व्लॉगिंग सेटअप के लिए मैंने मंगाया है और आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें ये आता नहीं है, इसमें जिसमें हम शॉटगन माइक लगाने के लिए, तो वो हमने मंगाया है। ये बहुत ही सस्ते में है, आप मैं कहता हूँ इसे आप सबसे ज़्यादा परचेज करें, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। ये आपको मिल जाएगा 100-150 में, ये मिल जाएगा 400 में, तो ये आपको 500 में कंप्लीट मिल जाएगा। ये 1500 रुपये में माइक आ जाता है 1500 में, तो ये 2000 रुपये में आपका व्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।